एक भारत के ही नागरिक हैं शिफुजी शौर्य, और कर्मठ कार्यकर्ता, किसी पार्टी के नहीं हैं। और किसी पार्टी की सलाह भी नहीं देते, और ना इनकी कोई पार्टी है। काश ऐसा हो, देश में कोई पार्टी ना हो, व्यक्तित्व जैसे व्यक्ति हो और निर्धारित लक्ष्य पर चुनाव हो। देश का अकेला मालिक मोदी ना हो, ना चिल्लाहटे हो मोदी 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 मोदी, ये क्या मोदी और क्यों मोदी। कल एबीपी न्यूज पर मोदी जी का इंटरव्यू देखा, सुना, दो पत्रकारों के बीच सवाल जवाब। मोदी जी व्यक्ति की तरह के अपनी ही व्यक्ति हैं, लेकिन एक पार्टी के हैं, अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, पार्टी के प्रतीक। देश के प्रधानमंत्री हैं, पद पर होते हुए अपनी ही तरह से सोचने जीने करने वाले। एक मैं हूं, मैं भी अपनी तरह ही का व्यक्ति हूं, मेरी भी अपनी सोच है, अपना जीवन है, पर मेरे पास कोई पद नहीं, ना मैं प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं अपने फैसले अपने लिए ले सकता हूं, पर अगर औरों के लिए फैसले करने हैं तो उनसे परामर्श, उनके विचार, उनकी जीवनचर्या के बिना नहीं लूंगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई भी निर्णय अकेले नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए। मोदी जी के फैसले कुछ ऐसे हैं जो थोपे गए हैं और व्यवहारिक नहीं हैं। नोटबंदी, जीएसटी, हर व्यक्ति के खाते में एक रकम डालना जो विदेशों में जमा भारतीय दो नंबरियों का नाजायज धन है को बांट देना, ना तो नाम है, ना धन का आता पता है, और ना किसी के खाते में कोई पैसा प्रधानमंत्री की तरफ से जमा है, तो ऐसी घोषणाएं वो क्यों करते हैं। चुनाव में जीतने के लिए आदमी क्यों अपनी बात रखे, अपने विचार रखे। इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टियां नहीं हो, व्यक्ति हो, उसके विचार हो, और ऐसा विचारों का जत्था उसमें से निकलकर लक्ष्य आए। बिना स्वयं सही जानकारी के कि क्या संभव है का झूठा आश्वासन अपनी पार्टी के चंगू मंगू को बोलने देना कि वो बोले जा रहे हैं कुछ भी, और नियंत्रण नहीं, नियंत्रण नहीं, लगाम नहीं। मोदी जी अपनी पार्टी के सदस्यों का पर लगाम नहीं कसी आपने। यथा राजा तथा प्रजा में क्या करूं, मेरे ही सामने सवाल है। सत रज तम का बैलेंस लोगों में ही नजर नहीं आता, तमस बढ़ता जा रहा है। शांत चित्त के बिना शांति भी नहीं मिल सकती, और इस सादगी का लोप होता जा रहा है। कौन सा मोदी भारतीय राजनीति में विश्वस्त होगा मुश्किल है।
देश से बेहतर स्वयं ही है, स्वयं का ईमान, और इसी में जीवन और जीवनचर्या। मोदी जी की जी हाँ और जी नहीं काबिल गौर है, क्योंकि दोनों स्वीकृतियों में आंखें झांकती हैं। कितने राजनेता आए गए, पर तपस्या वाला तो कोई नहीं आया, ऐसे व्रत रखने वाला तो कोई नहीं आया, पर ये सब व्यक्तिगत आयाम है। आप स्वयं के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पर अगर जनता के लिए आपका पद है तो बात अलग हो जाती है। शिफुजी शौर्य, मेहनती इंसान है। ऐसे मेहनती लोग ही इस देश की दिशा को सही मोड़ दे सकते हैं। मोदी जैसे लोगों में जो आज हिंदू मुसलमान है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? मंदिर मस्जिद गिरजे जितने भी आस्था स्थल हैं, जितनी भी जातियां हैं, ये सब अपनी ज़मीन के दायरे में हों, इनका सड़क पर आम पब्लिक में इनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, एक मानव धर्म होना चाहिए। और ऐसे कानून होने चाहिए जो सब पर लागू हों, ना जाति ना धर्म, सबके लिए एक जैसी कानून व्यवस्था, तभी सही डेमोक्रेसी है। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है जहां आदमी आदमी को बांटा जाता है जाति में, धर्म में, संप्रदाय में। ये गलत है।